कर्नल आर एस एन सिंह फॉर्मर इंडियन आर्मी मशहूर पॉलिटिकल एंड सोशल कमेंटेटर वैसे और सज्जनों मैंने कपिल कुमार साहब की किताब पढ़ी और मैं सिर्फ़ और सिर्फ किताब के बारे में बात करूंगा और आज के परिपेक्ष में उसका विश्लेषण करूंगा आ, कल मैं वाराणसी से आया और आ, मैंने कहा कि आपकी किताब नहीं पहुंची है तो समय बहुत कम था मैं आया इनसे किताब ले गया और मैंने तकरीबन उसका अध्ययन किया है तो शुरुआत में करूंगा जिन कर्नल महबूब अहमद की इन्होंने बात की उनको मैं जानता था वो मेरे स्कूल के भी थे और पटना के भी थे और उनसे कई बार मुझे मिलने का मौका मिला वो कुछ बातें बताते थे मेरा भी ज्ञान उस समय उम्र कम थी कम कमी समझ में आता था लेकिन एक जो वाक्य इन्होंने बताया कपिल कुमार साहब ने उस गरीब महिला का जो नेताजी के उस 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 गरीब महिला का जो नेताजी के जन्मदिन में वो कुछ पैसे जमा किए हुए पैसे सौंपने गई तो जो मैंने उसका हिंदी रूपांतर किया जो इन्होंने लिखा है कि नेताजी भाव विभोर हो गए उनके आंखों में आँसुओं का समंदर था और वो अपने भाव को छुपा नहीं सक पाए और उन्होंने कहा कि माँ तुम्हारा दुख मेरा दुख है तुम्हारी गरीबी मेरी मुफलिसी है और उन्होंने कहा कि आज हम आज हम गुलामी के जंजीरों से बंधे हुए हैं जब भारत आज़ाद होगा और उस आज़ाद भारत में मैं आपको एक साड़ी ज़रूर दूंगा मैं फिर उन्होंने कहा कि महबूब अहमद साहब को कि आप पता लगाओ इसका पता क्या और बाकी आपको कपिल कपिल साहब ने बताया कि उसका पता लगाया गया और उसके बाद उसको रहने का इंतज़ाम किया गया खाने का इंतज़ाम किया गया तो इसको आप क्या कहेंगे इसको आप मैं इसको पैट्रियोटिज्म कहता हूँ अक्सर आजकल ये वाद विवाद होता है बहुत सारे लोग बहस करते हैं कि पैट्रियोटिज्म क्या होता है तो देखिए मेरा मेरी अपनी राय है और मेरी अपनी परिभाषा है कि पेट्रियाट वो होता है जो कि इस देश की आबोहवा उसकी संस्कृति उसकी भाषा उसका इतिहास उसका पवित्र भूगोल उसकी निर्धनता केवल अमीरी नहीं उससे जिसको मोहब्बत है वही पेट्रीओ होता है यह आप शर्ट और टाई लगा के और एसी गाड़ी में जाके जंतर मंतर पे जाके आप बोले कि साडा हक इत्थे रख वो पेट्रीओट नहीं हो सकता है आप एसी एयरपोर्ट से आए ऐसी गाड़ी में बैठे एसी घर में जाए और उसके बाद आप, आप, आप गाली देने लगे अपने ही मुल्क में वो पेट्रीओ नहीं हो सकता है जो ट्रैक्टर लेके जो रिपब्लिक डे परेड को दूषित करना चाहता है वो पेट्रीओ नहीं हो सकता है दूसरी बात इन्होंने कहा कि उसमें लिखा है और सबको मालूम है कि ये मैं पेट्रियोटियम की परिभाषा में ही अभी मैं इसको बोल रहा हूं कि उन्होंने तीन ब्रिगेड बनाए तीन रेजिमेंट सॉरी नेहरू रेजिमें, गांधी रेजिमेंट नेहरू रेजिमेंट और आजाद रेजिमेंट ये वही लोग हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा था लेकिन फिर भी उस आदमी की उस आदमी की महानता देखो कि उनके नाम पर रेजिमेंट बनाया क्योंकि वो एक शीर्ष नेता थे उनको वो उन्होंने सम्मान दिया और पूरी जिंदगी जब मैं पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूं तो मैं राजनीतिक जिंदगी की बात कर रहा हूं पूरी जिंदगी रा, उनकी राजनीतिक जिंदगी को उन लोगों ने तबाह किया और मरने के बाद भी उनकी यानी पॉलिटिकल पॉलिटिकल मर्डर की बात कर रहा हूं पॉलिटिकल डेथ की क्योंकि मैं अनुजर से बिल्कुल मैं सहमत हूं और कुछ लोगों को यह था अभी जिनको शक है आप उनसे बात कर लेंगे मैं अनुजर से बिल्कुल सहमत हूं और पूरे तथ्यों के पढ़ने के बाद जानने के बाद कि गुमनामी बाबा और कोई नहीं थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे मुझे कोई शक नहीं हो सकता अपने अपने मत होंगे लेकिन मैं उनसे सहमत हूं इसके बारे में दूसरी बात एक कहा जाता है सबको मालूम है अभी क्विट इंडिया मूवमेंट आपको मालूम है एट अगस्त 1942 टू उसकी घोषणा की गई सारे नेता गिरफ्तार हो गए अब लोग ये सोचते हैं कि उसके बाद इसका संचालन क्यों कौन कर रहा था क्योंकि इन्होंने किताब में लिखी है कि सी डब्ल्यू जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसमें उनका कोई कोई कार्यक्रम ही नहीं था नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्लिन से रेडियो ब्रॉडकास्ट के द्वारा उसको संचालन करने की कोशिश कर रहे थे वहां से उन्होंने कहा कि तुम किस तरह से इसको स्प्रेड करो इस स्ट्रगल को तुम नॉन वायलेंट गुरिल्ला वॉरफेयर आप लोग चलाओ आप वाइस राओ के घर और जितने अहम जो और ये अहदेदार हैं उनके घरों पर आप धर, धरना बोलो और तमाम चीजें आप गुड्स का बाइकऑट करो एक उन्होंने पूरी चार्टर बताई थी उन्होंने ये यहां तक कहा कि बीबीसी का जो यूरोपियन सर्विस है उसको आप सुनो और कर्नल ब्रिटन कर्नल ब्रिटन एक थे जो कि वो रेगुलर ब्रॉडकास्ट करते थे उनकी बात सुनो और उसको अपने अपने मुल्क में उसको लागू करो उसी तरीके से आंदोलन चलाओ दूसरी बात ये सबसे अहम बात इस किताब में है और मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक के एम मुंशी लिखते हैं कि जो समय वाइस थे उन्होंने एक सीक्रेट फाइल भेजा गांधी के पास के मुंशी के पास वो फाइल आई उन्होंने गांधी को दिखाया उस फाइल में ये लिखा हुआ था कि ये जर्मनी के साथ ये कोल्यूड कर रहे हैं जो जर्मन जर्मनी जर्मन काउंसुलेट है कलकत्ता में उनसे ये संपर्क में है और ये ब्रिटेन के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे हैं अब आप सोचिए कि गांधी और अंग्रेजों में ये कौन सा रिश्ता था ये गांधी और अंग्रेजों में ये कौन सा रिश्ता था कि ये गोपनीय दस्तावेज एक दूसरे से शेयर करते थे बाकी इन्होंने जापान का इन्होंने जिक्र किया एक सबसे बड़ी बात और मैं हम हर दिन हम अपनी अपनी ओपिनियंस अपनी, अपनी मान्यता बदलते रहते हैं एक कहावत है कि इन इन लाइट ऑफ न्यू फैक्ट्स आई चेंज माय ओपिनियन व्हाट डू यू डू तो एक चीज मुझे इस किताब से जानने को मिला जो कि मैं उतना समझ नहीं पाया था वो रबींद्रनाथ टैगोर टैगोर का रोल कई ओछी बातें कही जाती हैं लेकिन जो इन्होंने कहा कि रबीन्द्रनाथ टैगोर कि जो ये गदर जो पार्टी थी वहां पे यूएसए में उनके जब कोर्ट्स तोड़े गए तो उसमें ये था कि ये बड़ा पॉइंट बड़ा डेंजरस और दस हजार डॉलर दस हजार डॉलर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उनको मिला था उन्होंने वो सारा का सारा पैसा जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने दे दिया कि जितने भी साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के लोग हैं उनमें बांट दिया जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर का भी ये, ये योगदान था जो जो कि मैं मैं इस बात को नहीं जानता था दूसरी बात अब आप देखें आ, कुछ लोग हमारे और मैंने एक किताब एडिट की है थ्री थाउजेंड माइल्स टू फ्रीडम उसमें एक हमारे ऑफिसर थे आ, उनके फादर वो स्केप किए थे जापान से हाँ सिंगापुर से और फिर वो तीन हज़ार माइल ये करके फिर वो हिंदुस्तान पहुँचे और फिर वेवल ने उनको बड़ी शाबिशी दी अब देखिए साहब क्या है ये ये सब परसेप्शन ये आपका होराइज़न का जो कह रहे हैं ना कि वो नमक हलाली की कि देश के साथ गद्दारी की कि वो मर्सनरी थे ये अपने अपने परसेप्शन का मतलब है अपने अपने होराइज़न का है एक व्यक्ति जापानीज़ प्रिजन से आता है और यहां पर आके वेबल को उसके फाइनली वेबल के पास लाया जाते है बड़ी साबिशी मिलती है जापानीज प्रिजन से वो आदमी ब्रिटिश प्रिजन में आता है सुभाष बोस तो ब्रिटिश प्रिजन ही को तोड़ना चाहते थे तो जितने आजाद हिंद फौज वाले लोग थे उनकी सोच का दायरा देखो कि दे वॉन्टेड टू ब्रेक द ब्रिटिश प्रिजन फॉर एवर और उन्होंने कहा कि एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कुछ रंगून में हो रहा था तो उन्होंने एक जगह कहा कि मैं दृश्य देख रहा हूँ ये सुभाष बोस कहते हैं कि मैं दृश्य देख रहा हूँ कि वाइस रॉय के घर के ऊपर हिंदुस्तान का झंडा फहरा रहा है और लाल किले में लाल किले में हम हमारा आज़ाद हिंद फौज विक्ट्री मार्च कर रहा है लेकिन वो हो ना सका उनका आने का ट्रायल्स हुआ लेकिन वक्त के चक्र को कोई नहीं रोक सकता है वक्त का चक्र आया तो वहां म्यूजियम भी बना और आज रिपब्लिक डे परेड में भी ये, 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 ये शामिल हुए और आखिरी में देवियों और सज्जनों मुझे दस मिनट समय मिला था दस मिनट में खत्म कर दूंगा अपनी बात देवी और सज्जनों आपसे अगर कोई पूछे भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था भारत का हिंदुस्तान का यूनाइटेड भारत का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे यूनाइटेड भारत के क्योंकि और आज हम इस इस भवन से बोल रहे हैं जहां पर एक से म्यूजियम बनाई गई है सारे प्रधानमंत्री की मैं उस जगह से यह बात कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने भारत की सरजमी पे हिंदुस्तान का झंडा फहराया लिबरेटेड टेरिटरी में फहराया उनकी अपनी करेंसी थी उनका अपना पोस्ट एंड टेलीग्राफ था उनका उन उ, उ, उनकी अपनी उनका अपना रे, रेडियो था उनका अपना प्रेस था उ, 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 उनका अपना आर्मी था अब जो जितने ऑर्गन्स होते हैं स्टेट के उन्होंने सारे के सारे और मैं एक और बात कहूंगा कि देखिए और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं इन्होंने पूरी स्ट्रक्चर दी है आजाद हिंद फौज की संगठन की आपको मैं बताऊं उस समय हिंदुस्तान में माफ कीजिएगा उस तरह कि संगठन को इतने कम समय में निर्माण करने में उस, उस उसका वो क्षमता किसी और में भी नहीं थी फौज में भी नहीं था आप देखिए उसको क्योंकि फौज में क्या था सीनियर ऑफिसर्स तो ब्रिगेडियर रैंक तक पहुंचे थे वहां पे उनको तो जो जो लार्जर जो लार्जर पिक्चर था उसके बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं था उनको तो वो जो लार्जर स्ट्रेटेजिक पिक्चर या जियो पोलिटिकल पिक्चर था वो तो, तो अंग्रेज तय करते थे लेकिन इस आदमी का स्ट्रैटेजिक होराइजन देखिए उसका जियो पोलिटिकल होराइजन देखिए और वो जो उन्होंने संगठन बनाई ही वॉज एन आईसीएस ऑफिसर एंड ए सिविलियन जो आदमी पनडुब्बी में पंडुबी में इतने रफ सी मेडागास्कर सी में उन्होंने सेल किया और उस दिन आपको मालूम है कि सी कितना रफ था और उसी इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उसी समुंदर पंडुब्बी में उन्होंने रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का आइडिया कंसीव किया था जब बर्मा में थे तो उनको स्टाफिंग हुई उनके ऊपर में तो वो एक ही वोज ही वॉज ए सोल्जर बाई इंस्टिंक्ट उन्नीस सौ आठ अट्ठाइस में आपको मालूम है कि उन्होंने कांग्रेस वो वॉलेंटियर वो, वो कोर बनाया था वर्दी वर्दी बनाई थी तो देवी और सज्जनों मैं इतना ही कहके दोबारा इस बात पर इरार करूंगा कि यूनाइटेड भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया कर्नल साहब